teacher, my name is Insha and today we are going to discuss about counting in tens. Okay, counting in tens. Today we will know about the tens and units. T for tens and U for units. बच्चों हम इसको tens और units नहीं पढ़ेंगे. हम मैथ्स हमेशा इस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो हम पहले पढ़ेंगे units and then tens. The red bar shows the units and the blue bar shows tens. Okay, one class. Now let's start. What is this? This is the picture of abacus. What is this? Abacus. Abacus shows two bars. The red bar is used for units and the blue bar is used for tens. Only 9 beads can fit on unit bar. यानी ये बच्चों ये जो unit bar है उसमें सिर्फ just 9 beads fit हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं. तो हम यहाँ पे draw करेंगे 9 beads. Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So to show 1 10, we remove the 9 units and put a bead on the blue bar. यानी कि बच्चों हमने 1 10 को अगर show करना है तो हमने इन 9 beads को remove करना है. यानी कि 9 beads की values value जो है वो 1 10 के बराबर है. Okay, one class. सो बच्चों अब इस वाले बैकस में देखें, हमने 9 बीड्स को रिमूव कर दिया और 9 बीड्स रिमूव करने के बाद 1 10 आ गया, क्योंकि 9 बीड्स रिमूव करने के बाद 1 10 आ गया. 9 बीड्स की वैल्यू जो है यूनिट्स में वो 1 10 के बराबर है. ओके, तो हमारा आंसर क्या आया? 1 for 10 एंड 0 units. 1 10 आ गया और 0 units आ गया. ठीक है, ये आज का हमारा आंसर है. जैसे कि बच्चों अभी हमने यूनिट और टेंस के बारे में पढ़ा है, जो यूनिट्स होते हैं उनमें सिर्फ 9 बीड, यूनिट बार में ओनली 9 बीड ही फिट हो सकते हैं. यानी कि 9 बीड्स की जो वैल्यू होती है वो 1 10 के बराबर होती है. ओके, अब हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अगर हमारे टेंस बार में दो या तीन या चार मतलब 5 बीड्स और हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे टेंस कितने हैं? 5. टेंस कितने बन गए? 5. और यूनिट्स हमारे 0 हैं. यूनिट हमारे 0 है, तो आंसर क्या हमारा आ गया? 5 0. टेंस हमारे 5 हैं और यूनिट्स हमारे 0. ओके बच्चों, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया 50. इसी तरह बच्चों अगर हमारे बीड्स 2 मोर ऐड हो जाए, यानी कि इंक्रीज हो जाए, तो कितने बीड्स हैं टोटल टेंस में? यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो बच्चों इसका क्या आंसर आएगा? हमारे टेंस कितने हुए? 7. और यूनिट्स बच्चों हमने यहाँ पे जो टेंस है टी फोर टेंस है, तो आपका यहाँ पे आंसर आया 7 और यू फोर यूनिट्स का हमारा क्या आंसर आया? 0. सो बच्चों इसका टोटल आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आया 17. ओके वन क्लास, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडेस टॉपिक. ओके नाउ क्लास 1, ओपन योर मैथ बुक्स पेज नंबर सेवन. आज सबका क्लास वर्क है. जैसे कि बच्चों हमने काउंटिंग इन टेंस के बारे में सीखा, यूनिट और टेंस के बारे में मैम ने आपको बताया, उसी से रिलेटेड आज एक्सरसाइज 6 है जो आपका क्लास वर्क है. क्वेश्चन है हमारा, काउंट एंड राइट द नंबर्स इन टेंस. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यानी कि बच्चों जैसे कि मैम ने आपको बोर्ड पे करवाया था, हमने टेंस और यूनिट राइट करने हैं बैकस को देख के. लाइक यूनिट बार में यूनिट बार के सारे बीड्स रिमूव कर दिए गए हैं और टेंस बार में कितने बीड्स हैं? 1. तो यहाँ पे 1 राइट कर दिया और यहाँ पे 0, इसका आंसर आ गया 10. इसी तरह बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, यूनिट बार में 0 है तो यहाँ पे 0 राइट करेंगे और टेंस बार में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे टेंस में 5 राइट कर देंगे, तो इसका आंसर आ गया 50. उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 8 पे. बच्चों आपने सबसे पहले यूनिट को देखना है, यूनिट्स के सारे बीड्स रिमूव कर दिए गए हैं तो यहाँ पे 0 आएगा. ठीक है, 0, यहाँ पे कोई बीड नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया. और टेंस में कितने हैं बीड्स? 1, 2, 3, तो टेंस में 3 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 30. बच्चों इसी तरह आपने टेंस और यूनिट्स को देखते जाना है और टेंस में जितने बीड्स हैं वो काउंट करके टेंस में राइट करना है, यूनिट को यूनिट्स पे 0 राइट कर देना. ओके बच्चों, ये आज का आप सब बच्चों का क्लास वर्क है. सब बच्चों ने अपनी अपनी क्लास सब बच्चों ने अपनी अपनी बुक्स पे कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.